कैपकट एप्लीकेशन के अंदर ना आप अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वही आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इजी से स्टेप है, आप वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कैपकट एप्लीकेशन के अंदर ना अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है, जिस भी वीडियो का आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा चले जाना है इफ़ेक्ट के अंदर। उसके बाद वीडियो इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे ना आपको मिलेगा बेसिक नाम का एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ना ब्लर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उस पर दोबारा एक दफ़ा टैप करना है ना तो एडजस्ट आ जाएगा। तो इस स्लाइडर की हेल्प से ना आप जितना ब्लर रखना चाहते हो उतना आपने रख लेना है, ओके कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इस वाली लेयर को ना पूरी वीडियो पर रख देना है, ओके। तो अभी आपने क्या करना है, बैक आ जाना है इस तरीके से, और उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में से ना उसी वीडियो को दोबारा ले आना है जो अभी हमने ऐड की थी, ओके। तो आपने दोबारा से वही वाली वीडियो ऐड कर लेनी है जो अभी हमने ऐड की थी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ना दोनों फिंगर से पिंच करके इसके साइज़ को ना बिल्कुल इक्वल रख देना है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए वरना दिक्कत आ जाएगी, ओके। तो इसका साइज़ आपने बिल्कुल इक्वल रखना है हर चीज़ का, ठीक है, एंड से भी शुरू से भी सब कुछ इक्वल रखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे ऑप्शंस में चले जाना है और यहाँ पे ना कट आउट का ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद ना पहले नंबर पे होगा रिमूव बैकग्राउंड, आपने जस्ट वहाँ पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद ना आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, बैकग्राउंड अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, ओके। तो 99% हो चुका है और यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आप लोग ना मुझे कॉमेंट करके बताओ कि कैपकट के अंदर जो आईफोन का वीविड फिल्टर होता है ना उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। बाकी हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।